तो नमस्कार सभी को। जो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, वो जानकारी है ग्रीस की। ग्रीस कई तरह की होती हैं और उनके अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं। उनमें से एक चेसिस ग्रीस होती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये चेसिस ग्रीस है, इस तरह का इसकी बाल्टी आती है चेसिस ग्रीस की 18 किलो में। चेसिस क्या होती है कि जो जैसे बॉडी होती है किसी व्हीकल की, ट्रक की, टेम्पो की, किसी की, तो उसमें जो है ना उसके जो जगह जगह पॉइंट बने होते हैं, क्योंकि उसमें जो है उसको जब व्हीकल चलता है तो व्हीकल में क्या होता है कि झटके लगते हैं, तो उस सबको मैनेज करने के लिए उसमें जो है एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर होता है, तो पॉइंट लगे होते हैं। उन पॉइंटों को लुब्रिकेशन करने के लिए ये जो है चेसिस ग्रीस ये बनाई जाती है। तो ये चेसिस ग्रीस आती है अर्थरोल की, अर्थरोल कंपनी की ये चेसिस ग्रीस है। और इसकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और भी कंपनियों की बहुत सारी ग्रीस आती है। इसकी क्वालिटी में मेन आपको बताता हूँ, अब इसकी जो सबसे मेन जो क्वालिटी है वो क्या है कि इसका जो है जो फ्लो है वो बहुत ज़बरदस्त है। फ्लो मतलब कोई हार्ड होगी तो उसमें जो पॉइंट पे जब ग्रीस गन से ग्रीस करेंगे तो वो ग्रीस जो है क्या होगी कि वो जम जाएगी, उसमें सही से उसका लुब्रिकेशन मिलेगा नहीं। तो इसका जो फ्लो है बहुत ज़बरदस्त है। इसकी मतलब इसके जैसी क्वालिटी मैंने जो है, आप कभी आपको ज़रूरत पड़ती है आप अपने व्हीकल के लिए इसको लेंगे तो आसानी से इतनी बढ़िया ग्रीस मिलेगी नहीं। इसको बोलते हैं चेसिस ग्रीस। ये देखिए इसका जो है कितना अच्छा ये फ्लो है, ग्रीस गन में आराम से ये जो है घूम जाती है, और किसी भी पॉइंट पे इसको करते हैं तो प्रॉपर उससे लुब्रिकेशन मिलता रहता है। इट इज कॉल्ड चेसिस ग्रीस, और ये बिल्कुल एकदम प्योर चेसिस ग्रीस है, कैल्शियम बेस्ड नहीं होती है, सोडियम बेस्ड होती है। ये देखिए कभी भी आपको किसी भी प्रोडक्ट की इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको अच्छी क्वालिटी की ग्रीस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि ग्रीस बहुत तरह की होती है, ग्रीस में जैसे जेल ग्रीस होती है, AP3 होती है, MP3 होती है, और इस तरह की काफ़ी ग्रीसें होती हैं। उन सब का जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसकी क्वालिटी में सबसे डिफरेंट क्या जो चीज़ होती है, इसके अंदर ना ड्रॉप पॉइंट होता है। ड्रॉप पॉइंट मतलब बूंद, कि किस तापमान पे ये बूंद बनके बहनी शुरू हो जाएगी। तो इसका जैसे ड्रॉप पॉइंट है वो 80-90 डिग्री सेल्सियस होता है 80-90 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाएगा तब ये बूंद बनेगी। और चेसिस में ऐसा कहीं कोई तापमान होता नहीं है कि इससे ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह की ये ग्रीस है, और आपको ग्रीस, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, कूलेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। आप अपना ग्रीस बनाना चाहते हैं, आप प्लांट लगाना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको हर तरीके से, क्योंकि मेरे को हर चीज़ के फॉर्मूलेशन पता है, हर चीज़ों की मेरे को, इसमें मैंने PhD की हुई है, तो आप मेरे से जब भी इसमें चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली बार जो वीडियो में आपको मैं दूसरे ग्रीस या ऑयल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू वेरी मच, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो और आपके जो है काम लायक चीज़ें हों, ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।